आज का अभ्यास सुखासन ले लीजिए, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद। सांस की गति को नियमित करेंगे, 2 से 3 गहरी और लंबी सांस प्रश्वास लेकर। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। शुरू करते हैं, एक गहरी और लंबी सांस भर लीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का अभ्यास शुरू करेंगे हम खड़े होकर करने वाली क्रियाओं से। अपनी बेड के ऊपर खड़े हो जाएं। पहली क्रिया जोगिंग शुरू करते हैं। अपनी जगह पे पैर को आगे की ओर ऊपर ले जाना है। धीरे से हमें शुरू करना है। अपने हिसाब से गति को बढ़ाएंगे और धीरे से कम करेंगे। शुरू करते हैं, धीरे धीरे शुरू करके अपने हिसाब से गति को बढ़ाएं। रुक जाएंगे। अगली क्रिया, दोनों पैर के पंजे सीधे और थोड़ा सा अंतर रखेंगे पंजों के बीच। डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, शरीर को ऊपर खींचेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, चू धीरे से नीचे। 1 सांस भरते हुए ऊपर, 2 नीचे, 1 2 1 2 4 2 5 and 2। अगली क्रिया है साइड बेंड। दोनों पैर के पंजे साथ में, पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, 1 झुकेंगे, 2 चेंज, 1 2 1 2
2 1 2 3 2 2 4 2 4 2 5 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 दूसरी साइड 1 2 3 4 and 5 दोनों पंजों को खोल देंगे 2.5 से 3 फुट का दोनों पंजों के बीच अंतर पंजे सीधे रहे दोनों हाथ साइड से बाजू पर साइड टू साइड रोटेशन लेफ्ट से शुरू करेंगे 1 2 1 एक बार इस तरीके से इस साइड से भी मैं आपको दिखा दूं 1 2 1 2 घुटने मोड़े नहीं 1 2 1 2 1 2 लास्ट एंड 2 ओके दोनों हाथों को साइड पर ही रखना है दोनों पंजों के बीच अंतर उतना ही रहेगा अल्टरनेट टो टचिंग करेंगे 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंड आगे झुकेंगे फीट को सीधी रखते हुए शुरू करेंगे 1 2 1 2 3 2 4 2 5 2 बीच में अंतर की करेंगे 1 2 1 2 3 2 4 2 5 and 2 दोनों हाथ को खोलते हुए आ जाएंगे ऊपर अगली क्रिया 4 count फॉरवर्ड बेंड 4 counts में आगे झुकेंगे हाथ ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट होल्ड करेंगे 1 यहाँ पे 5 count होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 थोड़ा सा ऊपर आके 4 पंजे एक लाइन में 1 2 3 4 5 थोड़ा सा ऊपर आके पीछे 1 2 3 4 and 5 धीरे से ऊपर रिलैक्स अगली क्रिया करेंगे नी बेंड दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे लेफ्ट से शुरू करेंगे 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 2 एक बार और करेंगे होल्ड करेंगे धीरे से ले जाएंगे 1 2 3 4 5 धीरे से नीचे दूसरी साइड 1 2 3 4 and 5 रिलैक्स अगली क्रिया नी रोटेशन दोनों पंजे साथ में दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे हाथ घुटनों के ऊपर 1 लेफ्ट से शुरू करेंगे 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 and 5 अगली क्रिया पादहस्तासन घर्षण पंजे साथ में सांस भरते हुए हाथ ऊपर 10 बार करेंगे छोड़ते हुए नीचे जाएंगे 1 ध्यान रखना है फिक्स सीधी रहे हाथ का लाइन में रहे जब नीचे आए तभी हमें हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाना है फिर से हाथ कान की लाइन में लाके धीरे से ऊपर पीछे नहीं झुकना है सिर्फ ऊपर ही आना है हम सीधे हो जाए वहीं तक शुरू करते हैं सांस भरते हुए ऊपर 1 2 1 2 सांस भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 होल्ड करेंगे नीचे 2
यहाँ पर हम रुकेंगे कुछ देर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथ कान की लाइन में आगे रखते हुए पीठ को सीधी रखते हुए ऊपर, दोनों हाथ नीचे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड करेंगे, आगे झुकेंगे और हो सके उतना हाथ के सपोर्ट से पीछे, दोनों एरिया साथ में, पंजे आगे से थोड़ा सा बीच में अंतर। 1 फॉरवर्ड बेंड, आगे झुकेंगे 90 डिग्री। 2 बैकवर्ड पाथ पीछे, 1 2 1 2 1 2 1 होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 पीछे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ओके, खड़े होकर करने वाला ताड़ासन, उसका अभ्यास करेंगे। दोनों पंजे साथ में, पैर के पंजे, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, नजर सामने की ओर। 2 दिन श्वास प्रश्वास करने के बाद आसन का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं, साधन की स्थिति में हम हैं, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, दोनों पैर के पंजे साथ में, नजर सामने की ओर। 1 दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर, नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। 2 थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे दोनों हाथों को, सांस को अंदर ही रोक कर रखेंगे, नजर सामने होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स करते हुए सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे। 20 काउंट तक हमने किया, अगला अभ्यास करेंगे 10 और काउंट, यानी कि 30 काउंट तक। फिर से ताड़ासन की सावधान की स्थिति ले लें, शुरू करते हैं। 1 सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर, नमस्कार मुद्रा में। 2 थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, सांस को अंदर भर कर रखेंगे, कुंभक करना है हमें अंतर कुंभक, सांस को रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। धीरे से हाथ को रिलैक्स करेंगे। 1 सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे रिलैक्स, दोनों पैर के पंजों को खोलेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, और आंखें बंद करके यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, 2-3 सांस और प्रश्वास। मैट के ऊपर आ जाए, बैठ जाए, शवासन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम आगे का अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न होके पीठ के बल मैट के ऊपर ले जाएंगे, दोनों पैर के पंजों के बीच थोड़ा सा अंतर,
जिभा की ओर, दोनों हाथों के बीच 6 से 8 इंच का डिस्टेंस अंतर, और हथेली आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद, शवासन में शरीर को आराम देना है, तो पैर के पंजों से लेके पैर की उंगलियों से लेके सिर तक सारे अंगों को और सारे स्नायुओं को हमें रिलैक्स कर देना है, शिथिल बना देना है। अपने शरीर का वजन मैट के ऊपर डाल देना है और चलती हुई सांस और प्रश्वास को देखना है। ध्यान रहे कोई भी स्नायु कोई भी अंग चकड़ा हुआ ना रहे, पूरे शरीर को हमें रिलैक्स कर देना। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई प्रश्वास, पूरा हमें ध्यान देना है सांस और प्रश्वास के ऊपर। धीरे से शवासन से वापस आएंगे, दोनों पैर के पंजों को साथ मिलाएंगे, दोनों हाथ श्रेणी से नजदीक लाएंगे, घुटनों को मोड़ के लेफ्ट हैंड सिर के नीचे रखते हुए लेफ्ट साइड टर्न होके यहाँ पर रुकेंगे 2-3 सांस और प्रश्वास तक। और धीरे से बैठ जाएंगे। गर्दासन ले लें, बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर गर्दासन में बैठेंगे, दोनों पैर के पंजे सीधे हमारी ओर खींचे हुए, पीठ गर्दन कमर एक सीधी रेखा में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और आंखें बंद। धीरे से आंखें खोलेंगे। दंडासन पर्वतासन की साधन की स्थिति में पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। पहले राइट लेग को हमें थोड़ा सा उठाना है, लेफ्ट लेग नीचे से ले जाएंगे, घुटना बीच में रहेगा एंड जो हमारी है वो शरीर से लगकर और पंजे बाहर की ओर। दूसरा पैर भी ले जाएंगे राइट लेग उसके ऊपर, दोनों घुटने एक साथ में रहेंगे, पंजे बाहर और एड़ियां शरीर से लगी हुई, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएंगे, सिर के ऊपर मुद्रा बनाएंगे, सारी उंगली अंगूठा इंटरलॉक और मध्यमा को छोड़ दें, मध्यमा सीधी रहेगी और फोर धीरे से हमें ऊपर ले जाना है उसे। पूरे हाथ को हमें स्ट्रेच करना है, सीधा रखना है और आंखें धीरे से बंद। सांस और प्रश्वास सामान्य रहेंगे, रोक कर नहीं रखना है सांस को, हमें देखना है उसे। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 धीरे से आसन से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, हाथ सिर के ऊपर लाएंगे, साइड से फैलाते हुए घुटनों के ऊपर पैरों को खोलेंगे और दूसरी साइड करेंगे, राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर, दोनों पैर की एरिया शरीर से लगा के रखना है, पंजे बाहर की ओर, हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों हाथ साइड से ऊपर सिर के ऊपर लाएंगे, मध्य मांगुली को सीधा रखेंगे, बाकी सबको इंटरलॉक करके और धीरे से ऊपर, आंखें बंद, दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करना है, गर्दन रिलैक्स, श्वसन सामान्य रहेगा, होल्ड करेंगे पोजीशन, सांस को नहीं रोकना है, पोस्चर को होल्ड करने के लिए काउंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथ से ऊपर आएंगे 4, 3, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, 2, पैरों को खोलेंगे, वापस आ जाएंगे दंडासन। एक और आसन का अभ्यास करेंगे, पश्चिमोत्तानासन, पहले घर्षण करेंगे 10 बार, फिर आसन में जाएंगे। दंडासन में ही बैठना है, हाथ घुटने के ऊपर है, एक बार देख लीजिए, सांस करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हो सके उतना, पीठ को सीधी रखना है, शुरू करते हैं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर 2, 1 ऊपर 2 नीचे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2, होल्ड करेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, एल्बोस को नीचे रखने की कोशिश करेंगे, हो सके उतना नीचे जाएंगे, होल्ड करना है हमें वहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ध्यान रहे घुटने ऊपर ना उठ जाए, नीचे दबा के रखना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, धीरे से हाथ को सीधा करेंगे नाक की लाइन में और धीरे से आ जाएंगे ऊपर रिलैक्स। एक और आसन हमने सीखा था भुजंगासन, उसका अभ्यास करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न होके पेट के बल हमें लेट जाना है उल्टा, भुजंगासन की साधन की स्थिति, दोनों पैर के पंजे पीछे की ओर खींचे हुए, दोनों हथेलियां नाभि के पास रहेंगी, दोनों केहुनिया शरीर से लगकर रखना है और फोरहेड को हमें मैट के ऊपर टच कर देना है। भुजंगासन की साधन की स्थिति, यहां से भुजंगासन में जाएंगे 2 काउंट में 1, सांस भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे, 2, शरीर को ऊपर ले आएंगे, हो सके उतना, नाभि से ज्यादा हमें ऊपर नहीं जाना है, हाथों को ऐसे करके हुए हमें ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ तक ही, नाभि तक ही हमें उठना है, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से नीचे आ जाएंगे, सिर को लगा देंगे नीचे, इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे 1-2 श्वास प्रश्वास और फिर से अभ्यास करेंगे इस आसन का। फिर से भुजंगासन 2 काउंट का आसन, 1, सांस भरते हुए सिर्फ गर्दन को ऊपर ले आना है, 2, शरीर को ऊपर उठाएंगे अपनी क्षमता के हिसाब से,
पर नाभि से ज्यादा ऊपर नहीं उठना। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे से नीचे टू सिर को नीचे लगा देंगे और रिलैक्स। एक दो गहरी लंबी सांस विश्वास करेंगे लेफ्ट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे सुखासन में। सुखासन ले लेना है, पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें धीरे से बंद। सहज रूप से चलती हुई सांस और प्रश्वास को देखेंगे। एक बार श्वसन घर्षण का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ही रखेंगे, पीठ को सीधी रखेंगे पर ज्यादा और खींच कर नहीं रखेंगे, रिलैक्स हो। घर्षण तीव्र गति से सांस को भरना और छोड़ना। शुरू करते हैं, एक आवर्तन करेंगे, सांस भरेंगे पूरक रेचक, छोड़ेंगे पूरक रेचक, पूरक रेचक, भरना है छोड़ना है, पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। रिलैक्स। घर्षण के बाद सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखेंगे। नासिका श्वसन का अभ्यास करेंगे, राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा लेंगे, दोनों पहली जो दो उंगलियां हैं दर्शनी और मध्यमा, उसे हम अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है हथेली का वहां पर रखेंगे, अंगूठा खुला रहेगा, एरो शरीर से लगा के रखना है, नीचे से नाक के नीचे से हमें होल्ड करना है। पहले एक नासिका में लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे, लेफ्ट साइड की जो नासिका है वहां से हमें सांस भरना है और छोड़ना है। शुरू करते हैं, पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। रिलैक्स। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रिल से करेंगे पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। रिलैक्स। मुद्रा को ऐसे ही रखेंगे। एक गहरी और लंबी सांस और प्रश्वास लेंगे। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम श्वसन, जो हमने सीख लिया था, अभ्यास करना बाकी था, उसका अभ्यास आज करेंगे। अनुलोम विलोम श्वसन फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं, प्राणायाम मुद्रा ही लेनी है। पहले हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे और दूसरी जो नासिका है राइट, वहां से हमें छोड़ना है सांस को।
जहां से हमने छोड़ा यानी कि राइट से वहीं से हमें भरना है, और दोनों नासिका को पहले बंद करके और फिर दूसरी को खोल के, लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोल के वहां से हमें एक्सहेल करना है, सांस को छोड़ना है। वहीं से भरेंगे सांस को जहां से हमने छोड़ा है लेफ्ट से, दोनों नासिका बंद करके दूसरी नासिका खोल के वहां से हमें सांस को छोड़ना है। एक चीज ध्यान रखनी है, जहां से हम भरेंगे, जहां से हम छोड़ेंगे वहीं से हमें भरना है। शुरू करते हैं, लेफ्ट से पूरा सांस भरेंगे, दोनों नासिका बंद करके राइट को खोलेंगे रेचक, वहीं से सांस को भरेंगे पूरा, लेफ्ट से खोलेंगे रेचक, लेफ्ट से भरेंगे पूरक, राइट से खोलेंगे रेचक, राइट से भी भरेंगे पूरक, लेफ्ट से छोड़ेंगे रेचक, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, वहीं से पूरक, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचक। ओके, रिलैक्स। प्राणायाम मुद्रा को छोड़ देंगे, हाथ घुटने के ऊपर, सहज रूप से चलती हुई सांस और प्रश्वास का निरीक्षण करेंगे। सांस भरने में या प्रश्वास छोड़ने में हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, सहज रूप से जैसे सांस और प्रश्वास चल रही है हमें उसे ही देखना है। दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लेंगे, पहली उंगली अंगूठी के मूल में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एल्बोज रिलैक्स। पांच बार ओंकार करेंगे, तीन बार ओंकार को लंबा खींचेंगे, आखिर के दो ओंकार में मकार को। ध्यान रखना है पांचों ओंकार में ओंकार की काल्पनिक छवि आकृति हमारे नजर समक्ष हो और हमें उसे देखते हुए ओंकार करना है। शुरू करते हैं, गहरी लंबी सांस भर लीजिए,
ओंकार की तरंगों को अपने शरीर के अंदर और हमारे आसपास के वातावरण में अनुभव करेंगे। दोनों हथेलियों को दर्शन करेंगे। आंखों के ऊपर आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा प्रसारित करेंगे। नमस्कार करेंगे परमात्मा का आभार प्रकट करते हुए स्माइल के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम।